नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती। देखिए, कुत्ते और बंदर के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन देखा जाता है कि बहुत सारे मरीज जो है अस्पताल में पहुंचते हैं जो रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं। देखिए, जब कोई जानवर काट जाता है और जल्दी से जल्द उसको डॉक्टर जो है नहीं दिखाते हैं डॉक्टर को, तो एक बीमारी बन जाती है रेबीज नाम से, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है मरीजों के लिए, क्योंकि उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं जो बाद में जो है बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं और इससे लोगों की जान भी जा सकती है। ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं गर्मी के कारण। कई बार देखा जाता है जो जानवर होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और देखा जाता है कि कोई चल रहा है या जरा सा कुछ बोल देते हैं तो वो काटने लग जाते हैं, उनको एक अलग ही खुजली होती है अंदर। तो देखिए, यहाँ पर जो सिविल अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर पीएमओ सविता यादव ने भी बताया है कि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले जो है इस साल लगातार वृद्धि हो रही है ऐसे मामलों में। साथ ही आपको आंकड़ा बताएं तो पिछले साल 19,000 जो है केस आए थे अस्पताल में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिविल अस्पताल में यदि रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है तो वो मात्र 100 रुपये में दिया जाता है। यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वही इंजेक्शन 400 रुपये में लगवाया जाता है। देखिए, रेबीज का इंजेक्शन जो है 4 बार लगता है, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन और 28वें दिन। ये 4 इंजेक्शन लगते हैं जिससे जो है बाद में मरीज को कोई समस्या नहीं होती है और जो रेबीज से बीमारी जो होती है रेबीज वो नहीं होती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कैसे सतर्क रह सकते हैं, यदि कोई जानवर काट लेता है तो उसको तुरंत साबुन से या फिर पानी से अच्छे से धोए ताकि जो रेबीज के कीटाणु होते हैं वो अंदर ना रहें और वो धुल जाए। तो अपना खास ख्याल रखिए। साथ ही और क्या कहा पीएमओ ने, आइए जानते हैं। मेरा नाम सतीश सागर है, मेरे को कुत्ते ने काट लिया था। मैं गौसी बल्लभगढ़ से आया हूँ। यहाँ ओपीडी की एक 5 पर्ची, 5 रुपए की पर्ची कटी है, 6 इंजेक्शन लग रही है। यहाँ आके अंदर बताया कि 100 रुपए की पर्ची और कटेगी, तो वो कटवा दे, 6 इंजेक्शन में और लग गया। नहीं नहीं, कोई परेशानी। हाँ हाँ, ठीक है। मेरा रंजन नाम है सर, फरीदाबाद से। किसके साथ? भाई के संग आया था। क्या हो गया? कुत्ता काट गया था, वो बाइक के पीछे बैठा था तो उसके भागते भागते पीछे से पकड़ लिया था। अभी कैसे माल पहुंचे, क्या प्रोसेस रहा है? सर, प्रोसेस अच्छा है। पर्ची कटते अपना टाइम टू टाइम पहले जाइए, पर्ची कटवाइए, फिर आके अपना इंजेक्शन लगवाइए। जी सर, कितनी राहत है क्योंकि बाहर तो बहुत महंगा। बाहर तो सर 400-500 रुपये का इंजेक्शन है। जी सर, यहाँ पे सस्ता है, ठीक है सर, कि इतने में ही 4-5 इंजेक्शन इतने में यही लग जाते हैं, बाहर तो बहुत महंगा। शबाना बड़कल से। क्या हुआ था? कुत्ते ने काट लिया। फिलहाल तो सही है। बाहर से काफी, जैसे प्राइवेट में जाते तो कितना फर्क तो बहुत है, क्योंकि ना वहाँ 450 रुपए का लगता है, यहाँ 100 रुपए का फर्क तो बहुत है। हाँ, नहीं दूसरा। कुत्तों के काटने के मामले निरंतर आते रहते हैं, प्रतिदिन काफी मामले आ जाते हैं, कोई 60-70, और महीने की बात करें तो कोई 2,000 से लेकर 2,500 तक मामले ऐसे आ जाते हैं। इंजेक्शन लगते हैं हमारे यहाँ, और इंजेक्शन एंटी रेबीज वैक्सीन जो है हमारे पास पूरी मात्रा में है, और बल्कि निरंतर हमारा 1 साल से कोई ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं हुई है। हमारे पास रेगुलर सप्लाई उपलब्ध है, और पेशेंट्स को कोई ऐसी इसको एंटी रेबीज को लेके कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन मामले जरूर बढ़ते लग रहे हैं मुझे, क्योंकि हर महीने का रिपोर्ट देखते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ोतरी ही मिलती है मुझे। बात करें, जैसे अभी आपने महीने का बताया कि महीने में लगभग 2,500 केस यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसमें सालाना बात करें पिछले साल से लेकर अब तक तो कितने आंकड़े होंगे? उपलब्धता के अनुसार जिस तरह से मैंने देखा कि शुरू के 1-2 महीने में हमारे पास जो सप्लाई, फिर उसके बाद और आने लगा, तो पेशेंट्स भी और यूसेज ऑफ ये जो दवाई का यूसेज है वो बढ़ा, तो करीब 19,000 हमारे पिछले साल में लग गए थे, और जिस तरह से और मामले आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि और ज्यादा ही बढ़ेगा। तो बात करें, तो पूरी तरह से उपलब्धता है रेबीज? जी जी, बिल्कुल पूरी निरंतर सप्लाई है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी को भी लगवानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लगवा सकते हैं, और बल्कि बाहर तो इतना फीस लगती है प्राइवेट की भी, और जो खर्चा होता है इसका दवाई का, यहाँ पे तो सिर्फ मिनिमल 100 रुपया सरकारी फीस है, तो यहाँ पर उनको आराम से ये लग सकती है। 4 इंजेक्शन बताते हैं जब कोई। हाँ, एक तो जैसे जिस दिन काटा है
उस दिन हो गया जीरो डोज बोल देंगे, जैसे उस जीरो डे कह लीजिए डोज, मतलब उस डे वन, 0, 3, 7, 28 ये इस तरह से ये चरण होते हैं। ये सब दिन है कि पहले पहला दिन जीरो मान लिया, उसके बाद तीसरे दिन पे लगेगा, फिर सेवंथ डे सातवें दिन पे लगेगा, फिर 28 दिन पे लगेगा, इस तरह से टीके लगते हैं। ऐसा है मैं बताता कि जैसे जब कोई ये काटता है कोई जानवर, चाहे कुत्ता है या कोई और जानवर काट गया, बिल्ली या बंदर है, इस टाइप से जंगली जानवर काट गया, तो उस अगर हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है उसको रेबीज हो, तो ये रेबीज कीटाणु जो है वो उनके सलाइवा यानी थूक में होता है, और वो जब काटते हैं उनके और अंगों में भी होता है, नाखून भी मार देंगे तो भी होता है। तो यदि जो मनुष्य के शरीर पर ये लगा तो उस एरिया को पानी से अच्छे से धो देना चाहिए, ताकि वो जो थूक है या वो जो कीटाणु है वो पूरी तरह से धुल जाएं, और साबुन का भी प्रयोग करना चाहिए, और खुले चलते पानी में, जैसे नल का चल रहा है उसके नीचे ही, मतलब अपना जो भी अंग है, हाथ पांव व्हाटएवर, वो उसके नीचे रहे ताकि धुल के चला जाए। और एक चीज कही जाती है कि जैसे इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी देखिए हमेशा थोड़ा गुनगुना सा हल्का, जैसे शरीर का तापमान टाइप का ठीक है। लापरवाही करता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये तो जानलेवा हो सकता है यदि वो डॉक्टर को ना दिखाए और रेबीज हो जाए तो, मतलब ये तो बिल्कुल जान को खतरा हो जाता है। और उसके लक्षण भी मैं बता देना चाहूंगी कि जिसको काटा है उसको अगर रेबीज के लक्षण आ रहे हैं तो उसको बुखार हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, उल्टी आएगी, उसको उसका मुंह से बहुत थूक निकलेगा, सलाइवा जिसे कहते हैं, उसको खाने पीने में पानी गुटकने में तक बहुत डिफिकल्टी, मतलब कठिनाई होगी, और इतना ही नहीं इतना दर्द भी होता है कि वो उससे घबराएगा भी, पानी देख के भी घबराएगा वो, और हेलुसिनेशन हो जाते हैं, कुछ का कुछ दिखता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एंजाइटी होने लगती है, और अधरंग भी हो जाता है, और उसके बाद तो अल्टीमेटली मृत्यु भी हो जाती है। तो लोगों को लापरवाही नहीं करनी, बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। यदि कोई जानवर काटता है तो तुरंत उसको पहले तो घाव को धोया जाए और फटाफट डॉक्टर के पास पहुंचा जाए ताकि टीका लग सके।